आपको दिख रही होगी बीच में लाइन, ये खीर गंगा है लेफ्ट साइड में और ये पार्वती रिवर है। ठीक है, हम जा रहे हैं तोष, ये तोष के लिए हम ट्रैकिंग हमारी यहाँ से शुरू हो चुकी है। अब हमारी ट्रैकिंग शुरू हो रही है। ये बहुत प्यारा लग रहा है, देखो खीर गंगा दिख रही है आपको लेफ्ट साइड में और ये पार्वती, बहुत प्यारा मिलन दोनों का। चलिए अब हम आपको ट्रैकिंग पे ले चलते हैं तोष की। ये शुरुआत हो गई हमारी ट्रैकिंग की, थोड़ा हम जल्दी निकलेंगे, अभी हमारे साथी लोग आगे निकल चुके हैं तो करते हैं आगे बात। ठीक है बाय। ये देखो खीर गंगा का रास्ता, ये अलग अलग डायरेक्शन है तो एक जगह जा सकते हो। क्या ही मतलब वाइट पानी है बिल्कुल, आप बिल्कुल दूध की तरह बह रहा है, इसका साउंड भी मस्त है। ये हम तोश के लिए निकल रहे हैं, नीचे वाला जो रास्ता है खीर गंगा का है, ये तोश के लिए जा रहे हैं। सर शर्मिले हमारे सूर्य जी, कुछ बोलना चाहेंगे आपको कैसा लग रहा है? मेरे को तो अभी अच्छी लग रही है और आगे देखेंगे कैसे है, पता नहीं, अभी तक तो अच्छे एक्सपीरियंस मिल रहा है। अच्छा मिल रहा है, चलो दैट्स गुड। हमारी शुरू ट्रैकिंग, सारे के सारे ट्रैक कर रहे हैं। ये मैडम और सर जी आ रहे हैं। लग रहा है बारिश होने वाली है, मौसम तो सच्ची में ऐसा लग रहा है, देखो मतलब काफी मौसम भर गया है। अब गाना क्यों बंद कर दिया? चलो कर दिया। अरे मर गए मर गए। इट्स अमेजिंग वेदर, सुकून के पल हम जी रहे हैं यहाँ पर और मजा आ रहा है, बहुत ठंडी हवाएं। देखिए मौसम पूरा बारिश का हो रहा है और थोड़ी थोड़ी बारिश आ भी रही है। अब मौसम देखिए, बहुत ब्यूटीफुल। वहां पे धूप और यहाँ देखो पूरी छाव और ये बारिश के पानी, देखो अब बारिश का मौसम। स्वर्ग है तो भाई इधर है, आप पूरा व्यू चेक मारिए, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वेदर, ब्यूटीफुल वेदर, स्पीचलेस। यू शुड कम हियर, आई विल कम। ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल है तोश, आप सच्ची में आपको विजिट जरूर करना चाहिए यहाँ पर। आप दूर देख पा रहे होंगे शाइनिंग कर रहा है, देखो बर्फ भी गिरी है। सॉरी कोई क्या कर रहे, लाल लाल क्या बात, मन तो कर रहा है इनका तोड़ के निकाल ले, सुंदर भव्य नजारा। लेकिन ये हमारी पहुंच से दूर है, नहीं नहीं जा सकते यार, मुश्किल है, मुश्किल है, नामुमकिन है, जा सकते हैं, नीचे उतर जाएगा। हां नीचे तो लग सिंपल एक सिंगल रियर तुम्हें कर रहे तो हो जाएगा। हां बटन, लेकिन दिक्कत है ना गाड़ी यहां तक आती ना तो लेके चलते बटन आ जाएगा। सही है, हमने बगान से सेब तोड़ने कोशिश करी, मतलब जो गए हुए थे बट टूटने से पहले ही हमें पहले किसी ने तोड़ लिया और हमें खुद ही दे दिए उन्होंने, तुम खा रहे हो ठीक है। कैसे ऐसे भैया यार, तो मीठा नहीं है वो, देखो सेब का बेटा से बुरे थे सुना वो लो। हाँ कितनी प्यार भेजिए धरना। तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा, मज़ा आ रहा है। ट्रैकिंग 5 किलोमीटर हमारी है, कैंप के लिए जो है देखो अभी 3 किलोमीटर हमने पार कर लिया है, देखते हैं। चलो कॉल आ रहा बात में, तो ये तोश का अंदर का नज़ारा देखो, कितने प्यारे प्यारे रेस्टोरेंट बार्स एंड मतलब कैफेज वगैरह है, रहने के लिए जगह है। हम अपने कैंप में बस पहुँचने वाले हैं, थोड़ी सी दूरी पे है।
कितना दूर है ये, अच्छा लग रहा है। है ना, सी कितना ब्यूटीफुल है ये टेम्पल है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। ब्यूटीफुल देखो आइस ये मंदिर बहुत अट्रैक्टिव है सही में। बहुत ही सुंदर नजारा, दूर से वो बर्फीला पहाड़ भी है बड़ा है। और ये देखो कितनी प्यारी रिवर बह रही है, रिवर का नाम तो नहीं पता है, आ रही है भी कहीं से देख सकते हो आप, देखिए पूरी जा रही है ये वहाँ से छोटे से ब्रिज पे खड़े हैं हम, थोड़ा ही दूरी है देखो ये जा रहे हैं वो लोग, हम थोड़ा आराम चाहते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। लवली ट्रैकिंग में भी मज़ा आ रहा है वैसे, कितना सुंदर ट्रैकिंग का प्लेस है ये भाई साहब बहुत सुंदर लग रहा है, ये जा रहा है बिल्कुल रास्ता ये से, अरे पीछे से पागल लोग। हेलो वणक्कम, ये हमारा आंध्रवासी सूर है वणक्कम, तमिल में वणक्कम बोलता है, तेलुगु में नमस्कार और इतना आता है हिंदी में नमस्कार थोड़ा बोल के दिखाओ ना, तमिल में क्या बोलो, देखिए कुछ भी बोलो बस लग रहा है तमिल तो मेरे को छोट प्यासी रास्ता नहीं लगा बिल्कुल मुझे यार कतई, अरे साइड में बिल्कुल झंडो बह रहे है आवाज से आ रही कतई, झंडो बह रहे है रास्ता चल रहा है जहर, ये देखो भाई झाड़ियों के बीच में से, लेकिन बहुत थक गए 5 किलोमीटर उन्होंने बताया था मुझे, लग रहा है 5 किलोमीटर से बता दो, देखो रास्ता देखो, ये हमारी तोश की ट्रैकिंग है। तो आपने देखा कितना बड़ा ट्रैक का रास्ता अभी तक खत्म हुआ नहीं है, स्टिल वी आर मूविंग, बहुत मतलब मेरे से तो कैमरा भी होल्ड नहीं किया जा रहा, हम पहुंच चुके अपने कैंप में, ये हमारा कैंप है, ये सरप्राइज है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। भाई साहब रेन ऐसा लग रहा है कि दूर कहीं पे ना रेन हो रही है अच्छी खासी, देखो आप बिल्कुल बादल घने बने हैं, ये है रास्ता टिंग टिंग टिंग, ये है हमारा लाल कैंप, लालू लालू कैंप कैंप, ठीक है यहाँ के चार्जेस सुनोगे ना 50 रुपए की चाय, 100 रुपए की मैगी, कतई जहर मतलब रेस्टोरेंट, ये हमारा छोटू सा रेस्टोरेंट सेटिंग अच्छी है, अभी दिखाते हैं, अभी आपको सेटिंग दिखाते हैं इसके अंदर की कैंप, पहले कैंप ही दिखाते हूँ, अभी वेट पहले सेटिंग दिखाते हैं रेस्टोरेंट की दोबारा से, सॉरी पर जाना पड़ रहा तुम्हारा, ये है एंट्री लॉर्ड शिवा कैंपिंग, ये पूरी सेटिंग नाइस का, टाइम लगेगा अब चाय कॉफी टाइम, इन्होंने हमें वेलकम ड्रिंक के लिए बोला था जिसने हमने पैकेज बुक कराया था, और ये कह रहे कुछ नहीं मिलेगा, फिर हमने उन्होंने बात की तो एटलीस्ट हमें चाय तो मिल रही है, नहीं तो लास्ट टाइम भी वेलकम ड्रिंक के नाम पे हमें पानी मिला था, ट्रिप पहले बकवास पहले
बट कसौल एंतोष एंड मणिकरण बेस्ट। देखो आइए, वेट कर रही थी हमारा। चलो 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 चलो, ये बंद क्यों कर दिया? ओके ये देखो सारा अमेजिंग नाइस, लुक एट द व्यू मैन। सही में अंदर घुसते ही फ्रेग्रेंस भी बड़ी प्यारी है, इन्होंने कुछ फ्रेग्रेंस में छोड़ रखा है। ये कितनी कंफर्टेबल सा कुत्ता है, ये पागल हो गई है, ये पागल हो गई है। और देखो व्यू देखो यहाँ से, बाथरूम भी दिखाओ फ्रॉम द कैंप व्यू। बाथरूम भी क्लीन ही है, तो बाथरूम है। ये एक है कैंप हमारा, एक वो है, देखिए है बैठे लोग। आज हम डिस्कस करें ये नियर प्लेसेस, देख लीजिए। देखो अब थोड़ा मैं उतर के दिखाती हूँ। हमारे कैंप के यहाँ से निकले भाई साहब, काफ़ी आए। ये रिवर है, रिवर वैली है, रिवर वैली जो दूर से हम दिखा रहे थे बिल्कुल हमारे कैंप के नियर ही वैली है। हाँ हाँ, ये पास का नज़ारा हमारा, बादल घने, कैंप मस्त, तोश का नज़ारा है ये, देख लीजिए आप। नाइस, मतलब वादियाँ होते हैं ऐसे, मज़ा आता है वादियों में, घूमो मज़े करो, ज़िंदगी एक ही है भाई, जी लो वह देखो। अरे रे कतई जहर, मतलब रिवर भी मज़े लेने को हो रही है। देखो सब कुछ कितना शांत प्यारा, बहुत बढ़िया, लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। आई रियली डोंट थिंक सो कि आपको वो लिख रहा होगा जो मैं देख रही हूँ समय, तो इसलिए यहाँ के देखो भाई। आओ ट्रिप पहले का बुक मत करना बस, ठीक है। और अगर आपको यहाँ का महंगा खाना नहीं खाना है, दो तीन मैगी पैकेट मैगी उठा के लेके आओ, और अपने साथ वो उबालने वाली कैटल लेके आओ, और मैगी बनाओ खाओ मजे से। 100 रुपये की मैगी इधर, 50 रुपये की चाय है, टू मच। चिकन 400 रुपये का, और बाकी पता नहीं, मेनू भेज देंगे आपको। हेलो गाइस, हमें बहुत ठंड लग रही है क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, और हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ इतनी ठंड होगी। तो ये हमारे लिए एक सरप्राइज रहा पूरी तरह से, हमारे महीने में दिल्ली में 30 डिग्री सेल्सियस चल रहा है समय, और यहाँ पे 3 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ पूरी की पूरी जीरो लग गई, जीरो। हमारा तो मन ही नहीं कर रहा रजाई से निकलने का, 3 डिग्री। ये देखिए आप, रजाई में ही है बैक स्पीड। अभी आपको दिखा दें यहाँ से कितना अच्छा नजारा दिख रहा है। देखिए यहाँ से बाहर का हमारे विंडो से कितना प्यारा नजारा है, ये तो ड्रीम कम ट्रू जैसा है। ये हमारा कैंप है बढ़िया सा, और अब हम खाना खाने जाएंगे, तब आपसे मिलेंगे। बाय बाय। तोश का बहुत आया, और लोग भी आ रहे हैं। कत्ते ठंड हो रही भाई, बहुत ठंड हो रही है, ये बॉनफायर हो रहा हमारे यहाँ। देखो the best thing is, अरे बस भाई कितनी मेहनत कर रहे हो, बैठो यार। this is the best for this place, सच में ठंड हो रही है भाई। क्या बात होगी, क्लीन तो रहना चाहिए। हां ये तो है। हेलो मेरा भाई भी क्लीन करवा दे। हम लोग बहुत अच्छा, अब थोड़ा मतलब सुकून ही मिलता है, बहुत ज़्यादा बहुत ठंडी की सीमा पर, तो फील गुड। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गई है, और सुबह के 6:30 बजे करीब देखो आप यहाँ से हमारे रूम का नजारा। बाहर दिखाते हैं आपको,
ओस बढ़िया ना ओस, थोड़ी बहुत तो ठंड लगेगी, ठंडा मौसम है बाहर। हमारी आग भी भुज के शुरू हो गई है, ठंडी ठंडी हवाएं। दूर सूर्य महाराज, हमारे यहाँ पे सूर्य महाराज आए नहीं, सूर्यदेव थोड़ी सी धूप बरसाए और हमें गर्म महसूस कराए। ब्यूटीफुल। गुड मॉर्निंग गाइस, ये है हमारी पहाड़ों में दूसरी सुबह। सुबह के 6:30 बजे है और हम लोग उठ चुके हैं और ये है नेहा जी। और बताइए आपकी रात कैसी गई? रात ठंड में गई। ठंड में गई तो सोचा था आपने इतनी ठंड होगी। यहाँ तो सच्ची में बहुत है, बहुत है ना। अकॉर्डिंग टू वेदर अगर कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो मतलब अगर आप इस मौसम में भी यहाँ आ रहे हैं, आप देख सकते हो हम बिल्कुल भी ठंड के अकॉर्डिंग नहीं आए। हाँ, हम बिल्कुल भी ठंड के अकॉर्डिंग नहीं आए, लेकिन यहाँ ठंड है भाई साहब, बहुत ज़्यादा है। रात में तो और ज़्यादा हो गई थी। ये हमारा कैंप, ये कैफे जहाँ हमने खाना खाया था। खाना ज़्यादा खास नहीं था यहाँ का, लेकिन कासोल में जो आंटी ने खाना खिलाया था वो सबसे बेस्ट था। खाने के बारे में बताइए आप, यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस था? खाना तो देखो क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपको पता है कि बहुत हाइट पे आए हैं तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ों की लिमिटेशंस हैं, तो ठीक था। तो आज का क्या प्लान है? अभी सही मतलब सर्विसिंग सी मीटिंग है। तो आज का क्या प्लान है बताएंगे हमें? तो कुछ आप कोशिश करेंगे कि आज का दिन थोड़ा जो भी है दिन तक से हमें घर जाना है, अच्छा यूटिलाइज कर ले। देखते हैं बाकी सारे सब सभी साथ चाहिए। तो देखते हैं अभी कहाँ जाते हैं हम, कि आज हमें दिन तक दिल्ली के लिए वापस निकलना है। तो ये वादियों में हमारा लास्ट डे है। आपको जाने का मन कर रहा है वैसे? मन तो नहीं है बट जाना पड़ेगा। बैक टू लाइफ तो जाना ही पड़ेगा। ये वादियाँ भी हमें It's rule for life. We have to go. वादियों में टकरा चुके हैं उनसे मुसाफिर दिल तो कई। ये देखिए ये वाला भी घूम रहे लाखों के बंद वाटर फॉल्स। अब देखिए वाटरफॉल जो आपको दूर से दिखा रहे थे कितने पास पहुंच चुके हैं हम। जहाँ अपने कैंप हमारा ऊपर था, हम ट्रैकिंग करते हुए काफी डेंजर एरिया है नीचे आए हैं, आपको दिखा भी नहीं सकते थे क्योंकि कैमरा होल्ड करना मुश्किल था। ट्रैकिंग एरिया काफी बहुत बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली। ये देखो आप खुद देखो पूरा खाई है और ये हमारा रास्ता है। यहाँ पे थोड़ा हमें जगह मिली है वीडियो बनाने के लिए। बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है। हम कोशिश करेंगे कि नीचे जाके अगर हमें नहाने का अच्छा मिलेगा तो हम नदी में नहाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं नीचे क्या होता है। ये सूर्य है, ये हमें गाइड कर रहे हैं। इनकी हिम्मत का दाद देना पड़ेगा, ये अकेले जाके नीचे नहा के आए हैं और दोबारा हमारे साथ जा रहे हैं हमारी रिक्वेस्ट में। ये देखो आप सच्ची में बहुत ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ से। बहुत डिफिकल्ट ट्रैकिंग है, अकेले आने की कोशिश मत करना सूर्य की तरह। डिफिकल्ट है, सच्ची डिफिकल्ट है बट एडवेंचर्स, लव्ड इट। वॉइस देखो आप, पूरी वीडियो में आपको वॉइस ही मिलेगी। बहुत बहुत चलो चलती है और पास से देखते हैं। यस देखिए यहाँ का नज़ारा ये तो डरी पड़ी है सच्ची, बहुत डेंजर है। लेट मी शो यू। हाँ हाँ ज़्यादा दूर नहीं जाऊँ। ये देखो बहुत मतलब डेंजर है। आप इसके को और से भून दे दीजिए।
माय गॉड बहुत डेंजर है, थोड़ा डर सा भी लग रहा है, मजा भी आ रहा है, मतलब मिक्स फीलिंग है, एडवेंचर बहुत मिक्स फीलिंग है इस समय, हैप्पी एंड स्केरी एंड क्रेजी टू, ब्यूटीफुल माय गॉड रियली। हम आपको दूर से दिखा रहे थे नज़ारा, आप देखो आप, ओ माय गॉड ब्यूटीफुल, सो डैम ब्यूटीफुल मैन, ओ माय गॉड। ये देखो ये सारे के सारे हाथ खड़े हैं, माय गॉड मतलब जैसा कि आप देख पा रहे हो, मतलब पीछे झरना बह रहा है, बहुत पास है, बहुत ये तो डरी पड़ी है, ट्रैक ना बहुत मतलब मुश्किल है, मुश्किल है बहुत मुश्किल, लेकिन हम फिर भी रिस्क, बट रिस्क मजा आ रहा है, नीचे भी जाएंगे जिंदगी का मजा, भी रिस्क जिंदगी के मजे लेंगे दोस्तों। वो इतना स्कैरी मोमेंट भाई साहब, देखो आप वाटरफॉल देखो यहाँ के, आप अपनी जिंदगी के पूरे मजे लीजिए, मजे लीजिए, लव कसोल तोश एंड मणिकरण भाई, आई डोंट नो, ये थोड़ा सेफ एरिया लग रहा है, मौत का खेल सही है, ऐसा लग रहा है मरने वाले हैं, नहीं मरे मरेंगे नहीं, सेफ्टी से काम करेंगे, देखो ऐसे एडवेंचर भी करना है लेकिन सेफली, सेफली है ना, है ना भाई, सुबह बिल्कुल बिल्कुल एडवेंचर करना बट सेफली, कल ना नहीं ज़्यादा, ठीक है तो देखो सेफ, आप देखो कितना सेफ है, हमने बिल्कुल कॉर्नर की जगह ली है और यहाँ से ये पानी यहाँ जा रहा है, तो यहाँ को तो हम बहेंगे भी तो भी कुछ ना होगा ठीक है, थोड़ा ये बावड़ी से हो गए ऋतु के दोस्त है, ये ऋतु है इधर ना भाई, ये पीछे है ये दीपिका, वो भी हमारे गाइड, और ये दीवार लगाना बोलेंगे यार, ये जगह बहुत, ये देखिए नेहा खतरों का सामना करके खतरनाक वाटरफॉल में पहुंच तो गए, अब ये नहाने, ये नहाने का भी खतरा उठाएंगे या नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है, पीछे बहुत बड़ा घर जा रहे हैं अपनी बस के लिए, अब हम यहाँ से जाएंगे दिल्ली, ये हमारे यहाँ पे लास्ट मोमेंट्स इस ट्रिप के, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट दिल्ली, कैसा लग रहा आपको दिल्ली जाके, दिल्ली जाने में फील कैसा आ रहा है, मन नहीं हो रहा वहाँ जगह छोड़ने, ये तो है वादी जाना जरूरी है, खूबसूरत है, मुझे छोड़ के जाने का मन नहीं करता, देखो ये बट चलिए चलते हैं वापस बाय टू तोश, ब्यूटीफुल देखो दूर, बाय 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 तोश, बाय बाय खूबसूरत, बाय बाय डॉग हमें पूरे रास्ते ले गया, बहुत
बहुत ज़्यादा प्यारा है। इतना इतरार है, इतना इतरार है, इतरार है। इधर देख ले, नहीं देख रहा, थकेला खड़े हो। ये है देव कैफे और ये इसका व्यू है, देखिए कितना सुंदर है। और बताइए रिहा जी, कैसा चल रहा है आपकी जर्नी? बहुत अच्छी, बहुत ही आनंददायक, लाभदायक। तो ये कौन सी जगह है? ये हम तोशे नीचे उतर चुके हैं, वहाँ पे नियर बाय कैफे है, काफी अच्छा कैफे बता रहे थे उन्होंने, बताया ये कमेंट किया था। तो देखो यहाँ से व्यू काफी अच्छा है। कैफे का नाम क्या था? देव कैफे। देव के मेरे छोटे भाई का देव। तो अब हम एक घंटे में दिल्ली के लिए निकलेंगे, तब तक हम यहाँ रेस्ट करेंगे थोड़ा। ये आपको दिख रहा हो तो ब्यूटीफुल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। घुमंतू गर्ल्स आपके सामने फिर से हाजिर है और अब हम जा रहे हैं दिल्ली। दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली पहुंचने में हमें, दिल्ली दूर नहीं, कितनी दिल्ली दूर है? दिल्ली दूर है, थोड़ा दूर है, 300 किलोमीटर दूर है। तो बस अब हम दिल्ली जा रहे हैं बैक टू लाइफ। ये सारी दुखी हो रहा है छोड़ के, हमें बताते हैं थोड़ा दुख हो रहा है बट जाना तो पड़ेगा। बट रिमेंबर वन थिंग, हम ऐसे और ट्रिप्स भी करते रहेंगे और आपको ऐसे एंटरटेन करते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।